रविवार को थाना टुंडला पुलिस एवं एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट मेरठ की संयुक्त कार्यवाही में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर मादक पदार्थों की तस्करी गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर सीओ टुंडला ने बताया पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में 767.690 किलोग्राम गांजा नाजायज बरामद कर इसके अतिरिक्त 1 ट्रक 2 कार के अलावा 7 मोबाइल फोन 1 आधार कार्ड 2 ड्राइविंग लाइसेंस 2 डेबिट कार्ड 1 क्रेडिट कार्ड व 7200 रुपये नकद बरामद हुए। वहीं बरामद नाजायज गांजा की अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3,50,00,000 बताई गई। अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न धारा में कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। फिरोजाबाद से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। देखिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की जो ऑपरेशनल यूनिट मेरठ की है उसके जो प्रभारी हैं योगेंद्र जी और उनकी टीम तथा थाना टुंडला के पुलिस द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन में अंतरराज्यीय मादक द्रव्य की तस्करी करने वाले 7 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 7 क्विंटल 67 किलोग्राम गांजा की बरामदगी की गई है। इसके अतिरिक्त इनके पास से 1 ट्रक 2 कार क्रेडिट कार्ड्स तथा 7200 रुपये नकद बरामदगी की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 3.5 करोड़ कीमत बताई जा रही है। टीम द्वारा ये बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है। निश्चित रूप से इस तरह के जो कार्य करने वाले लोग हैं और उन पर अंकुश लगेगा। इस टीम का जो मास्टरमाइंड था वो भूपेन्द्र था, उसके विरुद्ध पहले भी जयपुर में 2017 में मुकदमे थे। ये लोग उड़ीसा से माल लेकर आते थे, इन्होंने ट्रक को भी मॉडिफाई कराया था जिसमें एक बॉक्स बनवाया था उसी में सारे माल को रखते थे। एक बेहतर आसूचना संकलन के द्वारा इस टीम द्वारा ये कार्य किया गया है। निश्चित रूप से टीम का एक अच्छा कार्य है जिसके लिए हम लोग पुरस्कार के लिए भी रिकमेंडेशन अपनी भेजेंगे। ये लोग जो गांजा लाते थे कहाँ सप्लाई किया करते थे? देखिए मैंने बताया एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि आपके राजस्थान हरियाणा NCR क्षेत्र में आगरा और आपके फिरोजाबाद क्षेत्र